sitting down? Wait. Eyes are not blinking. No. No. Express yourself with eyes, expressions. Light kya hai ye? फायर बंद कर दो। अभी अभी तो नहीं हो रहा, फायर एक बार करके देखना। हाँ फायर ओके। दो हो गए। Back up. Sorry? Yeah. Can you please turn a little bit? Yeah. Yeah. रेड किसका आ रहा है? मेरे क्यों आ रहा है? लेजर पैर दे रहे थोड़े बोल लेवल ऑफ सिनेमा तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है एंड आई एम वेरी होपफुल एंड वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। आपने उड़िया और मलयालम फिल्म में काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस किस तरह का है? वो एक ऑल टुगेदर एक अलग एक्सपीरियंस है एंड बहुत कुछ सीखने मिला है फ्रॉम मलयालम इंडस्ट्री फ्रॉम ओरिया इंडस्ट्री और वहाँ से सब सीख कर एक्टिंग एक्सपीरियंस लेकर ही यहाँ पर अगर स्टेपिंग किया जाए तो फ्यूचर थोड़ा सा बेटर बन जाता है कि एक सब कैमरा नॉलेज एवरीथिंग टेक्निकली बहुत कुछ पता रहता है तो इसलिए वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आपने बहुत सारे ऐड भी किए हैं अमिताभ बच्चन के साथ में तो उसके साथ किस तरह का? अमित जी बहुत ही अच्छे और डाउन टू अर्थ पर्सन है और मेरे को उनके साथ काम करने का सुजोग मिला है तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि उनके जैसे एक्टर के साथ मुझे काम शेयर स्क्रीन
सीन्स शेयर करने का मौका मिला है। वो कौन सा राइट था जिसमें काफी ज्यादा कल्याण ज्वेलर्स का एक्ट था, काफी हिट मूवी उड़िया की थी, क्या नाम था, और वो काफी सफलता मिली उसको जी। उसमें से दो मूवीज बहुत ही अच्छा चली हैं, संगम और मूल दीवाना दो पाई। और तीसरी फिल्म क्या थी? गैंग थी, लेकिन वो एवरेज मूवी थी, हिट नहीं। मलयालम की जो मूवी थी नगंगल, वो किस तरह का नगंगल में जो सॉन्ग था वो प्रियन सर ने शूट किया, प्रियदर्शन डायरेक्टर आपके हिंदी सिनेमा में भी करते हैं, मलयालम मूवीज़ भी करते हैं, ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर एंड उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे। आगे किस तरह की प्लानिंग होगी आपकी बॉलीवुड में एंट्री के लेकर? मैं बहुत ही चैलेंजिंग रोल करना चाहती हूँ और बहुत पॉजिटिव हूँ यहाँ पे। आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइक चैलेंजिंग कैरेक्टर मिले या जिसमें मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे हो, दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर आई वांट टू डू इन बॉलीवुड। हर एक एक्टर का एक सपना होता है, तो हर एक्टर चाहता है कि वो एक रीजनल सेक्टर से एक नेशनल चैनल पे आए, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि ये मेरा भी एक ड्रीम है, तो आई वांट माय सेल्फ टू सी इन बिग स्क्रीन नेशनल लेवल पे, शायद इंटरनेशनल भी हो सकता है। आपने HDFC का भी ऐड किया था? जी, HDFC का ऐड मैंने 16 इयर्स में किया था, और जब मैं 16 साल की थी तब भी मैं इंडस्ट्री में एंटर किया, तब से मैंने ऐड फिल्म्स किए और रैम शोज किए, बट मूवीज़ में मैं अभी 2 साल से हूँ मूवी इंडस्ट्री में, एक्टिंग फील्ड में। ये दो लैंग्वेज मलयालम उड़ीसा और फिर हिंदी बॉलीवुड में एंट्री, तो डिफिकल्ट नहीं लगता आपको? नहीं, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। हिंदी मूवीज़ भी वैसे ही बनती है जैसे रीजनल मूवीज़ बनती हैं, और हिंदी मूवीज़ में ये होता है कि आपको टेक्निकली बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है और प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, और वहाँ पे हम एक एक स्टेट पे काम करते हैं तो हमारे पास एक स्टेट का ही प्लेटफॉर्म होता है, बट सिनेमा मेकिंग इज़ ऑल टुगेदर सेम, और वहाँ का टेक्निकली जो टेक्नीशियंस हैं वो यहाँ पे आके काम करते हैं, तो सेम एक्सपीरियंस है। किस एक्ट्रेस को देखकर वैसा बनना चाहते हैं? मैं वहीदा रहमान फैन फॉलोअर हूँ एंड आई लव हर टू द कोर, उसके जैसा काश मैं बन सकूँ, आई ट्राई। बॉलीवुड में ऐसा कौन सा एक्टर जिसे काम करना चाहते हैं? सारे हीरोज, ऑल आर माय फेवरेट। मैसेज देना चाहूँगा? मैसेज यही है कि जैसे ही मैं स्टेप इन कर रही हूँ, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर लव, सो दैट आई कैन ग्रो। अगर खान्स के साथ पिक्चर करने का मौका मिले तो इससे अच्छा मौका तो कुछ भी नहीं होगा, कि दे आर द सुपरस्टार ऑफ आवर इंडस्ट्री। तीनों खान में से किसके साथ का? सारे खान्स के साथ कोई एक मौका नहीं छोड़ेगा। आपका सबसे फेवरेट? मेरा फेवरेट है रणबीर कपूर।